हो गया। सभी का धन्यवाद। अभी हम हैं यहाँ पे जंतर मंतर पे, तो यहाँ पे बहुत लोग यहाँ पे आए हुए हैं। दिन में तो 12 बजे के आसपास तक यहाँ पे पूरी बैरिकेडिंग थी और किसी को आने नहीं दिया गया, लेकिन उसके बाद में यहाँ पे सब लोग आए और अभी रात का टाइम है यहाँ पे सब लोग है। देखो ये मोबाइल की लाइट चल रही है, यहाँ पे लाइट नहीं है बच्चों के पास। यहाँ से ये रात जो झगड़ा शुरू हुआ ये लाइट का है, ये जो ये चारपाई लेकर आगे क्योंकि बच्चों पे परमानेंट पीछे नहीं बैठा जाता, दूसरा भी काम ये कर रखते हैं, इससे इनका झगड़ा शुरू हुआ। पुलिस यहाँ कोई भी सवाल नहीं आने देते, यहाँ पे पानी बंद कर रखा है, इसने एक प्राइवेट टैंकर यहाँ पे भिजवाया, तो ये यहाँ पर समस्याएं हैं और इस आंदोलन को जातिगत में ले जाना चाहते हैं। ये आंदोलन, ये हमारे बच्चे हैं, ये किसी जाति से नहीं है, ये भारत के बच्चे हैं, ये हमारे देश की धरोहर हैं। हमें इनकी जिम्मेदारी है कि इनकी सुरक्षा रहे, इनको कोई चोट खरोच कोई चीजें ना आए, कोई बाहर का असामाजिक तत्व इन पे कोई हमला ना कर दे। तो यहाँ पे बैरिकेटिंग भी बहुत है, तो ठीक है कि बैरिकेटिंग कर रखी, चलो पुलिस इनका पहरा दे अंदर, लेकिन और लोग भी जो इनसे मिलने आवे उनको रोकने का उदा करें। और बिजली पानी ये जन सुविधा अपना सभी लोग काम करें, इन पे ध्यान रखें। और 7 तारीख को खाप पंचायत के प्रतिनिधि यहाँ पे आएंगे। आज हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में कई जगह खाप पंचायतें हुई और हमारे पास में कल और परसों का 2 दिन का टाइम है, हम सब जगह संपर्क करेंगे और जो सभ्यन आदमी है उनको यहाँ पे बुलवाएंगे 7 तारीख में, और फिर आगे की रणनीति यहाँ की बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि इन बच्चों की प्रैक्टिस छूट रही है। इनकी प्रैक्टिस भी कैसे हो वो बातचीत करेंगे खाप पंचायत के लोगों से भी, यहाँ के अधिकारियों से भी। हमारी सरकार से भी ये अपील है कि इन बच्चों की प्रैक्टिस भी हो, या तो यहाँ पे हो या इनकी क्या व्यवस्था हो, वो बैठ के हम अधिकारियों से भी बातचीत इसमें करेंगे, लेकिन हमारा एक प्रतिनिधि मंडल होगा जो इन सारी सब्जेक्ट पे चर्चा करेगा। तो आपका धन्यवाद है, सारे बच्चे यहाँ पे हमारे हैं और इनको हताश होने की जरूरत नहीं है, आपके साथ में सब लोग हैं, इस लड़ाई को मजबूती के साथ में लड़ेंगे, आने वाली पीढ़ी जनरेशन के लिए लड़ेंगे और आपके लिए लड़ेंगे। जिन बच्चों ने केस दर्ज करे हैं करवाए हैं उनको न्याय मिलेगा, ये न्याय तक लड़ाई हमारी जारी रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कर्नाटक।